तू सवाल शिफ्ट करेगा जमातियों से क्योंकि तेरा घर चलता है हिंदू मुसलमान करने से। अभी सुनेगा कि रख दू फोन में? ना ना बिल्कुल नुकसान हो जाएगा तेरा, मेरा कोई नुकसान नहीं। बोलिए बोलिए बोलिए, मैं नारे लगा रहे सुनेंगे तब तो। हाँ बोलिए, आप एक भी सवाल का जवाब सुनने के लिए तैयार? आप बोलिए ना, आप कैसे पत्रकार हैं? मैं जैसा भी मुद्दा नहीं देश का, आप मैं देश का मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी देश का मुद्दा नहीं है, आप अपने को पत्रकार कहते हैं। और दूसरी बात, आप ऐसे करिए, इसको आप एडिट करना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सकते हैं, बिल्कुल नहीं। इतना ही टाइम मुझे दे दीजिए, अगर आप गोदी मीडिया में हो, चाचा जी जवाब दीजिए, अगर आप गोदी मीडिया में हो। हमारे भारत में मेनस्ट्रीम मीडिया के कुछ पत्रकार एक ही समुदाय को बार बार टारगेट करते हैं। वह देश में आए संकट पर बात करने की बजाय नफरत फैलाने वाले मुद्दों पर ही बात करते रहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं न्यूज नेशन के वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया जी की। वह अब तक हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दों पर ही डिबेट करते आए हैं। वह अक्सर अपनी डिबेट्स में सरकार के साथ खड़े दिखाई देते हैं। इनकी डिबेट्स में जब कोई नेता सरकार के खिलाफ बोलने लगता है तो दीपक जी उन पर भड़कना शुरू कर देते हैं और उन्हें बोलने नहीं देते, जिससे तंग आकर वह नेता दीपक चौरसिया की अच्छी क्लास लगाते हैं। ऐसे ही कुछ वीडियोस पर हम आज बात करेंगे जब दीपक चौरसिया को सरकार की पैरवी करना महंगा पड़ा। हाल ही में मौलाना साद और तबलीगी जमात के मुद्दे पर न्यूज नेशन में हो रही डिबेट में जब दीपक जी ने एजाज खान से मौलाना पर सवाल किया, तब एजाज खान ने कोरोना फैलाने के लिए सरकार को दोषी बताया, तभी दीपक जी बीच में बोलने शुरू हो गए। इस पर एजाज खान भड़क उठे और उनको चुप करवा दिया कि देश के अंदर 30% मामले शुरुआती दिनों में कोरोना के मौलाना साद की तबलीगी जमात की वजह से बढ़े और उसके चलते 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये कोरोना फैल गया। अभी सुन, एक सवाल तुझे सरकार से भी करना पड़ेगा। ठीक है, करिए, खुल के करिए। के सरकार से तुझे ये सवाल करना पड़ेगा, पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र मना लूं कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि जो रिपोर्टर मुझे बोल रहा था कि मैं डी ग्रेड का एक्टर हूं, आज वो मेरी इतनी इंतजार कर रहा था लाइव पे लेने के लिए, तो ये तेरा शुक्र है मेरे रब, मेरे अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। और दूसरा, मेरी इस बहस में मैं हर को आमंत्रित करता हूं, मेरे सबसे बड़े आलोचकों को भी आमंत्रित करता हूं। अरे अभी सुनेगा कि रख दू फोन में? ना ना बिल्कुल, नुकसान हो जाएगा तेरा, मेरा कोई नुकसान नहीं। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ मैं रख दूंगा तो तेरा नुकसान हो जाएगा, तेरे स्पॉन्सर ये वो सब प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो सुन, ये लोग कैसे दिल्ली पहुंचे, इंडोनेशियन मलेशियन ये सारे लोग दिल्ली कैसे पहुंचे? तूने ये सरकार से सवाल नहीं किया, तू सवाल सिर्फ करेगा जमातियों से क्योंकि तेरा घर चलता है हिंदू मुसलमान करने से। तेरी 200 बहस देखी मैंने, उसमें से सिर्फ पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान और बाबरी मस्जिद और राम मंदिर पे तेरी बहस है। तू एकदम दल्ला रिपोर्टर है, लेकिन फिर भी और मीडिया के सारे रिपोर्टर, अल्लाह ने इज्जत दी, चौरसिया साहब तू भी बोलेगा एक दिन कि हिंदू मुसलमान मत करो, तू भी बोलेगा मेरे भाई, क्योंकि तेरे भी बच्चे हैं, तेरी भी बीवी है, घर जाके सोता कैसे यार मेरे भाई, तू बहुत चैन से सोता है एजाज खान, दिक दिक करते रहता है मेरे भाई। 2019 के इलेक्शन के समय दीपक जी ने राहुल गांधी का इंटरव्यू किया, जिसमें दीपक जी ने राहुल गांधी से जीएसटी के मुद्दे पर सवाल किया और मोदी जी का जिक्र भी किया, तभी राहुल गांधी ने इस पर पलटवार किया। आप ये भी जरा देखिए, हमने न्यूज नेशन ने यह सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछा था जब उनका इंटरव्यू किया था 2 दिन पहले, तो उनका ये कहना था कि नोटबंदी पर चुनाव तो उत्तर प्रदेश के दौरान हो चुका और आपने 3/4 मेजोरिटी के साथ हमने चुनाव जीता। उन्होंने कहा कि जीएसटी पर चुनाव गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने लड़ा और सूरत में काफी प्रचार हुआ, लेकिन उसके बाद भी सूरत की सभी सीटें हमने जीती और अब 5 साल के कामकाज पर चुनाव हो रहा। ये जो जवाब था प्रधानमंत्री की नोट शीट पे था, वो जो कागज था उनके हाथ में, उसमें ये जवाब लिखा हुआ था या नहीं लिखा था? राहुल जी, नोट शीट पे तो उनकी सिर्फ कविता लिखी हुई थी, वो तो कविता लिखी हुई थी, मगर जो उनकी नोट शीट थी, जो उनके हाथ मतलब उन्होंने लिखा था, जिसपे क्वेश्चंस लिखे हुए थे, तो वो तो पूरे इंटरनेट ने देखा है, कविता थी मगर उस पर क्वेश्चंस भी थे। मेरा कहना है कि उनका रिप्लाई है, ये नोट शीट पर था या ये मेमोरी से आया? चूंकि आपने न्यूज नेशन के इंटरव्यू की बात की है राहुल जी, इसलिए मैं एक बात साफ कर दूं कि जो पूरा इंटरव्यू हुआ था तब प्रधानमंत्री जी ने किसी भी नोटपैड को अपने रेफरेंस के तौर पर नहीं लिया था, चूंकि ये बात उठी है। तो आप, और दूसरी बात, आप ऐसे करिए, इसको आप एडिट करना चाहते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सकते हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपको अच्छा नहीं लगा, नहीं अगर आपको डर लगा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं परमिशन दे रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली इलेक्शन और केजरीवाल पर एक डिबेट में दीपक चौरसिया ने AIMIM नेता असीम वाकर से मुस्लिम वोटर को लेकर सवाल किया और मुद्दे को हिंदू मुस्लिम बनाकर पेश किया, तभी असीम वकार
इस पर भड़क उठे और दीपक को सरकार से सवाल ना करने पर लताड़ा। मुसलमानों का इस्तेमाल कुछ राजनीतिक दलों ने मात्र वोट बैंक के लिए किया है और अब उस वोट बैंक को ओवैसी साहब यानी AIMIM के अध्यक्ष आगे बढ़ा रहे। अब पहले आप ये बताइए कि क्या जो मैंने बात कही थी, क्या 2 करोड़ नौकरियां मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, आप सहमत हैं कि नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल मिलनी चाहिए, 2 क्यों 10 करोड़ मिलनी चाहिए, देश में कोई बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। सहमत हैं कि नहीं है? असीम वकार जी मुद्दे पे बात करें ना, मैं तो कह रहा हूँ 10 करोड़ नहीं है, 135 करोड़ लोगों के हाथ में काम होना चाहिए, छोटे बच्चों के हाथ में पढ़ने का काम होना चाहिए, बड़े लोगों के पास टेक्नोलॉजी सीखने का काम होना चाहिए और आप जैसे जैसे लोगों के पास राजनीति करने का काम होना चाहिए। और 4 महीने के बच्चे को मौत देने के लिए जो जिम्मेदार है उसको पेट्रोल 35 रुपए में बिकना चाहिए नहीं बिकना चाहिए, उनके खिलाफ आप मुद्दे पर बात नहीं कर रहे। पेट्रोल 35 रुपए में बिकना चाहिए, आप मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रहे। दीपक जी आप सहमत हैं इस बात से? आप मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रहे, आप अफसोस में क्या कर रहे हो? मुद्दा नहीं आपके लिए देश का, आप कैसे पत्रकार हैं, आप कैसे पत्रकार हैं? मैं जैसा भी मुद्दा नहीं देश का, महंगाई देश का मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी देश का मुद्दा नहीं है, आप अपने को पत्रकार कहते हैं? मुझे दे दीजिएगा, आप पत्रकार कहते हैं अपने आप को? क्या आप पत्रकार हैं साहब? भैया एक बार हटाओ, पत्रकार हैं साहब, देश आपको देख रहा है, रोजगार देश आपको देख रहा है, ये महंगाई पढ़ोगी तो कर लेंगे, रोजगार पर भी बहस होगी तो कर लेंगे, मुद्दा नहीं है आज, एक प्रमुख मुद्दा पर बहस है। आप इससे ठीक है, असीम बकार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शोभिया जमाई क्लोजिंग कमेंट, उसके बाद क्लोज करने के लिए। CAA और शाहीन बाग के मुद्दे पर एक डिबेट में दीपक जी ने हिंदू मुस्लिम करना शुरू किया और इससे मिलते जुलते सवाल डिबेट में मौजूद महमूद प्राचा से किया। मुद्दा हिंदू मुस्लिम होते देख महमूद प्राचा ने दीपक पर पलटवार करना शुरू कर दिया। मुसलमान समाज को झूठ फैलाना मुसलमानों का मुद्दा है, धर्मनिरपेक्ष आपको पाकिस्तान में। अब इतना ही टाइम मुझे दे दीजिए, आपको पाकिस्तान, अब इतना ही टाइम मुझे दे दीजिए। अगर आप गोदी मीडिया महमूद प्राचा जी जवाब दीजिए, अगर आप गोदी मीडिया महमूद प्राचा जी, अगर आप अमित शाह से ऑर्डर नहीं ले रहे हो, अभी भी फोन पे अमित शाह आपके साथ नहीं है, जवाब देने दीजिए ना, देने दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ, देखिए मेरे दोनों फोन, ये देखिए दोनों फोन। अमित शाह जी ने कई बार जो मुसलमानों को कहता है कि हथियार लो, हम तुमको लाइसेंस, और आपके जितने ऑफिस में फोन है वो भी दिखाइए, बाकी फोन भी दिखाइए ना, आपके जो सपोर्टर्स है उनके पास कितने हैं? अभी कहाँ कहीं शुरू नहीं होने दी आप सुनेंगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी। अभी क्या, अभी मैंने आप मुझे पता है, अभी मेरी नौकरी की चिंता मत करिए महमूद साहब, चंद्रशेखर रावण जैसे क्लाइंट भी मिलना बंद हो जाएगी आपको, आपको चंद्रशेखर रावण जैसे क्लाइंट भी मिलना बंद हो जाएंगे, मेरी नौकरी की चिंता मत करिए। आप एक ईमानदार पत्रकार रहे हैं, आप सभी एक ईमानदार पत्रकार रहे हैं, मुझे इसलिए आपकी नौकरी की चिंता है। नहीं मुझे कोई नौकरी की चिंता नहीं है, और मैं जैसा पत्रकार हूँ अपने लिए अपने देश के लिए ठीक हूँ, मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं लेना, मैं समझता हूँ मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं लेना, माफ कीजिएगा। इंडिया न्यूज पर JNU के मुद्दे पर एक डिबेट में दीपक चौरसिया ने कन्हैया कुमार से संविधान पर सवालों में उलझाने की कोशिश की, पर कन्हैया ने एंकर को इसका पलट जवाब दिया। दीपक जी स्पष्ट बताइए, स्पष्ट मैं बोलूंगा, मैं स्पष्ट बोलने वाला, स्पष्ट बताइए, मैं बिल्कुल स्पष्ट बोलूंगा, ये अफजल गुरु और मकबूल भट्ट के समर्थन में है, या फिर आपको पता है कि जब मकबूल भट्ट को फांसी दी गई शायद आप पैदा भी नहीं होंगे, आपको पता है मकबूल भट्ट के ऊपर आरोप क्या, देश के ऊपर जब आजादी हुई तब आप नहीं पैदा हुए, नहीं आप नहीं पैदा हुए, देश की आजादी की बात आप भी नहीं पैदा हुए थे, और मैं उस आजादी की बात भी नहीं कर रहा, जब संविधान देश में लागू हुआ तब आप पैदा नहीं, आप भी पैदा नहीं हुए, आप भी पैदा नहीं, ये कोई तर्क नहीं है। तो मैं सवाल पूछने में जवाब दूंगा, मैं जानना चाहता हूँ मकबूल भट्ट का गुनाह क्या, JNU तो सिक्योर क्या, मुझे आप और छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, आप अगर इंटरेस्टेड हैं बात को सुनने में तो सुनिए, लेकिन अगर आप किसी खास विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं और एक पत्रकार के हैसियत से मैं से बात नहीं कर रहे हैं, आपसे बात करने का कोई मतलब नहीं, मुझे लगता है आप इंडिया न्यूज के लिए काम करते हैं, मुझे जनता के लिए समझाइए, सुनिए, आपकी उम्र नहीं उतनी, आप मुझे समझाइए, आप मुझे बताइए कि क्या लोगों को गिरफ्तार करवाया जो लोग भारत के विरोध में नारे लगा रहे थे, सुनेंगे तब तो। हाँ बोलिए, आप एक भी सवाल का जवाब सुनने के लिए तैयार हैं? आप बोलिए ना, आप जितना आप सवाल का जवाब दे रहे हैं, सवाल का जवाब भी नहीं। ये थे दीपक जी द्वारा की जा रही डिबेट्स के कुछ नमूने। दीपक जी की डिबेट ज्यादातर हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर होती है, वे मजदूरों की परेशानियों पर बात क्यों नहीं करते, वे बढ़ती महंगाई पर सवाल क्यों नहीं करते, वे बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं करते, ये मुद्दे भी जरूरी है एक आम आदमी की जिंदगी में, इसके बारे में तो अब
दीपक चौरसिया खुद ही बता सकते हैं कि वो इन सब मुद्दों के बारे में क्यों नहीं बात करते, पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये आगे जाकर सरकार से सवाल करना भी शुरू करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।